जय भारत दोस्तों। पिछले 5 साल से ग्रीन टीवी के साथ जो गांव से जुड़ने का मौका मिला, जो ज़िंदगी को एक अलग नज़रिए से देखने का मौका मिला, उसमें मेरे अपने बहुत सारे छोटे छोटे आउटकम हैं जो मैं चाहता हूं कि लोगों से मैं शेयर करूं, अपने अपने अपनी इस लर्निंग को, अपनी इस नॉलेज को जो मैंने गेन किया है, जो मुझे लगता है कि शायद लोगों के काम आए, हमारे देश में एक छोटे से बदलाव के लिए शायद वो काम आए। बचपन से हमने सबने एक सुना है कि राजा हरीश्चंद्र की कहानी हम सबने सुनी है कि कितने सत्यवादी थे वो। इनफैक्ट जब जब हमको मजाक में या कभी किसी से कोई तंज कसना होता है उसकी सच्चाई को लेकर के, तो हम ये भी बोलते हैं कि क्या राजा हरीश्चंद्र की औलाद है। लेकिन यकीन मानिए, इस तंज कसते कसते हम ये भूल गए हैं, हम सच बोलना भूल गए हैं। हमारे देश में अब वैसे लोगों से मिलना बड़ा मुश्किल है, वो लोग ढूंढे नहीं मिलते जो वाकई पूरा सच बोलते हों या हर वक्त सच बोलते हों। और मेरा रिसर्च, या मैं कहूँगा मेरा रिसर्च नहीं, हम टीम का, मेरा लोगों से इंटरेक्शन ये कहता है कि हम झूठे क्यों हैं। वाई वी लाई सो मच, वाई एज अ कंट्री वी लाई सो मच। हर वक्त हर छोटी से छोटी चीज़ पर हमारी शुरुआत झूठ से होती है। मैं दुखी होता हूँ अंदर से कई बार, क्योंकि शायद उस ढर्रे में मैं भी होता हूँ, मैं भी कभी कई बार उस मौके उस ढर्रे में ढल के झूठ बोलना शुरू करता हूँ। और हम सब ऐसे हैं, क्यों? बहुत छोटी सी चीज़ है, इनसिक्योरिटी, फिनेंशियल इनसिक्योरिटी। हम उस मोमेंट को जीना चाहते हैं, उस मोमेंट में कुछ छोटा सा फ़ायदे के लिए या छोटी सी चीज़ के लिए झूठ बोल जाते हैं। झूठ बोलना मम्मी के पास से शुरू होता है, मम्मी के बटुए से चोरी हुई या मम्मी ने कुछ पैसे खर्च करने के लिए दिए, सामान लाने के लिए दिया, बाज़ार से लाने के लिए, हमने 2 रुपये मार लिए उस पैसे। हमारी झूठ की शुरुआत वहाँ से होती है और वो धीरे 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 बढ़ती चली जाती है और वो अब हमारा DNA बन चुका है, हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। मैंने बहुत सोचा कि ऐसा क्या बदलाव लाए हम कि इस झूठ से बच करके हम लोग सब सच की तरफ चलने लगे। और यकीन मानिए, सच में बहुत ताकत होती है। ये बड़े बुजुर्ग जो कहावत कहते थे या बातें कह के जाते रहे हैं, हम कई बार उन चीज़ों को सीरियस नहीं मानते, लेकिन यकीन मानिए सच्चाई में बहुत ताकत होती है। सिर्फ हमको कोशिश ये करनी है कि हम सच के रास्ते पर चलें और रास्ते अपने आप खुलते चले जाएंगे। यस, थोड़ा सा वक्त लगेगा, जी हाँ, थोड़ी सी समस्याएं आएंगी, कुछ दुख भी आएंगे, दर्द भी आएंगे, लेकिन अगर एक बार हम सच्चाई के रास्ते पर चलना शुरू कर देते हैं, उसके बाद हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ये मेरे 30-35 अलग अलग अनुभवों में से पहला अनुभव है जो आज आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ कि सबसे पहले हिंदुस्तान में अगर किसी बदलाव की ज़रूरत है तो वो है हम सब सच बोलना शुरू करें, ईमानदारी से काम करना शुरू करें। यदि हम बदलेंगे, हमारा समाज बदलेगा, तो अपने आप आसपास के लोग बदलेंगे। जिन नेताओं को हम गालियां देते हैं, जिन लोगों के बारे में बोलते हैं कि वो करप्ट है या वो गलत है या वो झूठे हैं, वो कहाँ से आए हैं? वो हमारे समाज में से ही आए हैं ना। अगर हम झूठे हैं तो हमारे रहनुमा भी झूठे होंगे, हमें लीड करने वाले, चाहे वो पुलिस ऑफिसर हों, चाहे वो IAS ऑफिसर हों, चाहे वो नेता हों, जो भी हमारे ऊपर आकर के हमारे साथ काम करने बैठेंगे, वो सारे झूठ बोलेंगे, क्योंकि वो हमारे समाज का हिस्सा है, वो बाहर कहीं दूसरे ग्रह से नहीं आए हैं। तो अगर हम चाहते हैं कोई सुधार लाना, अगर हम चाहते हैं कि लोग वाकई में पूरा देश सुधरे, तो शुरुआत हमें अपने आप से करनी पड़ेगी। सबसे पहले मैं अपने आप को सुधारूंगा, तब तो मेरा देश सुधरेगा। ये था आज का मेरा पहला थॉट। बहुत जल्दी मैं दूसरे थॉट के साथ आपके साथ लौटूंगा। यदि आपको ये पसंद आए तो आप अपने कमेंट बॉक्स में यहाँ पर मुझे लिखें, बुरा भी लग रहा हो तो आप गालियाँ भी लिखें, मैं तैयार हूँ सुनने के लिए। अल्टीमेटली अगर सच बोलना है तो सामना तो करना पड़ेगा चीज़ों का। धन्यवाद।